ओके चलिए, एक सवाल है सरबजीत सिंह का, जिन्होंने ट्विटर पे लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे पिताजी से एमआरएफ के 20 शेयर 72,000 के रेट के आसपास मिले हैं। इन्होंने दिए, मतलब पिताजी ने इनको गिफ्ट किए 20 शेयर। क्या मैं थोड़ा मुनाफा वसूल कर किसी दूसरे सेक्टर में लगा दूं, या फिर यहीं बना रहूं और डिविडेंड खाता रहूं, बताइए। देखिए, धरोहर है तो आई थिंक यहाँ पे मैं तो बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें। फिलहाल प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ट्रेड में बने रहें। आई थिंक जो अभी इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दायरे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो जो इसके पीछे की रेंज रही 84,000 के आसपास, 84,000-85,000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ था। तो आई थिंक अगर चाहें तो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इनको और थोड़ा मार्जिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ट्रेडेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है कि आप इसको रोज रोज ट्रेड करेंगे। तो आई थिंक 84,000 के आसपास कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, एक तो वो इनके लिए राय है। और नहीं तो अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहें तो डेफिनेटली थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल लेने में भी कोई हर्जा नहीं। थोड़ा पैसा बांधने को। अच्छा, डिविडेंड पे आउट इस बार तो 10% का इन्होंने किया था, बट इससे पहले 5-3-2 इस तरह से करते थे, और यील्ड बहुत अच्छी नहीं। तो आप डिविडेंड के लिए एमआरएफ पे रुके रहे, ये बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अगर आप, चूंकि 92,000 पे चल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, अदरवाइज बने रहिए। स्टॉक तो बढ़िया ही है, क्वालिटी वाला।